तो लोंडू व्हाट्स अप, एनिमे संसार में आपका स्वागत है। आज से हम अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे। हालांकि बहुत कोशिश करी थी पिछले कुछ महीनों से, पर किसी काम से हम फंसे हुए थे तो इसलिए हमने यार थोड़ा, तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बात करते हैं वन पीस के टॉप 8 स्ट्रॉन्गेस्ट मरीन एडमायर के बारे में। जिन लोगों को मरीन के बारे में नहीं पता है या फिर कह लो जिन लोगों ने वन पीस ही नहीं देखा है, उनके लिए मैं एज अ शॉर्ट बता देता हूँ कि वन पीस के अंदर मरीन एक मिलिट्री फोर्सेस है जो पायरेट को रोकती है। क्योंकि आज हम एडमायरल मरीन के बारे में बात कर रहे हैं तो इसको हम बाद में ही डिस्कस करेंगे। मरीन एडमायरल मिलिट्री फोर्सेस में एक हाई पोस्ट माना जाता है। जैसे हमारे इंडिया में कॉन्स्टेबल के बाद सब इंस्पेक्टर के बाद इंस्पेक्टर, लाइक दैट, समझ रहे हो ना। तो वन पीस में मरीन एडमायरल के पास ग्रेटेस्ट मिलिट्री पावर होती है, या बेसिकली कह लो वो बाकी मरीन के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल होते हैं। सेंगोकू से लेकर हाल ही में जिनको इंट्रोड्यूस करवाया है रियोक्यूग्यू तक, ये लोग इतने स्ट्रांग है कि सबसे पावरफुल पायरेट भी इनसे लड़ने से पहले दो बार सोचती है। स्टार्ट करने से पहले तुम्हें मैं बता दूं कि इस टॉप 8 लिस्ट में तुम्हें स्पॉइलर भी देखने को मिल सकता है। तो जिन लोगों ने अभी तक वन पीस को कैचअप नहीं किया है या फिर उनकी मांगा तक को भी कैचअप नहीं किया है, तो यार थोड़ा सा तुम अपना अपना देख लो, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा स्पॉइलर मिल सकता है। नाउ स्टार्ट विद टॉप 8 लिस्ट, रियोक्यूग्यू। रियोक्यूग्यू का फर्स्ट अपीयरेंस एपिसोड 882 और मांगा चैप्टर 905 में दिखाया गया। रियोक्यूग्यू का असली नाम अरामाकी है, जो ग्रीन बुल के नाम से भी जाना जाता है। जब उसका इंट्रोडक्शन हुआ था तो उसको थोड़ा मिस्टीरियस कैरेक्टर की तरह रखा था, पर अब जाके उसके पावर को रिवील किया है इन द न्यू बेस्ट आर्क इन वन पीस, द वानो कंट्री आर्क। इससे पहले ही डेरासोजा आर्क में डोफ्लामिंगो ने रियोक्यूग्यू के ऊपर पहले ही थोड़ा हिंट दे दिया था कि रियोक्यूग्यू और फुजितोरा दोनों ही मरीन के सबसे पावरफुल मॉन्स्टर में से एक है। रियोक्यूग्यू ने मोरीमोरी नोमी नाम का डेव फ्रूट खाया है, जो कि एक लोगिया टाइप डेव फ्रूट है। इस डेव फ्रूट की मदद से रियोक्यूग्यू प्लांट को मैनिपुलेट कर सकता है और अपनी बॉडी को भी एक बड़े से फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर सकता है। तो भाई एज अ वन पीस फैन मुझे भी यही लगता है कि और कोई नहीं, यही वो फॉरेस्ट गॉड है जिसके बारे में ओडा स्काइपिया आर्क में फोरशैडो दे रहा था। वो अपनी बॉडी से प्लांट उगाने के साथ साथ किसी भी लिविंग बीइंग से पानी खींचने की क्षमता रखता है, जस्ट लाइक क्रोकोडाइल। डेविल यूजर होने के साथ साथ रियोक्यूग्यू के पास दो तरह की हाकी है, आर्मिनेंट और ऑब्जर्वेशन हाकी। मांगा में उसने किंग और क्वीन दोनों को काफी आसानी से हरा दिया था और समुराय से भी उसको लड़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई थी। और इसी प्लांट बेस्ड पावर होने की वजह से रियोक्यूग्यू वन पीस के टॉप 8 लिस्ट में आता है। अब टॉप 7 लिस्ट में आते हैं फुजितोरा। फुजितोरा का फर्स्ट अपीयरेंस एपिसोड नंबर 630 और मांगा चैप्टर 701 में दिखाया गया था। फुजितोरा का असली नाम इस्सो है और इन्हें विस्टेरिया टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। फुजितोरा पूरी तरह ब्लाइंड होने के बावजूद उन्हें यह एडमायरल की पोस्ट मिली है, तो भाई लोग सोचो कि ये कितना पावरफुल हो सकता है। फुजितोरा के पास जूसी जूसी नोमी नाम का डेविल फ्रूट है, जो इन्हें ग्रेविटेशनल फोर्स को कंट्रोल करने में मदद करता है। वो अपने तलवार से भी डेविल फ्रूट के पावर को इस्तेमाल कर सकता है। फुजितोरा ने ऑब्जर्वेशन हाकी और आर्मिनेंट हाकी दोनों को ही मास्टर कर रखा है। अंधे होने के बावजूद जब डेरासोजा में फुजितोरा साबुत से लड़ते हैं, उसमें उनकी फाइटिंग स्किल काफी अच्छी दिखाई थी। उन्होंने द बीस पायरेट जैक को भी हराया है, तो इससे पता चलता है कि इनका अंधा होना इन्हें कमजोर नहीं बनाता। उनकी डेडली डेल फ्रूट, एक्सीलेंट हाकी कंट्रोल और फिजिकल स्ट्रेंथ इन्हें पावरफुल बनाती है। अब बात करते हैं टॉप 6 में किजारू। किजारू का फर्स्ट अपीयरेंस एपिसोड नंबर 398 और मांगा के चैप्टर 504 में हुआ था। किजारू का असली नाम बार्सोलिनो है, जिन्हें येलो मंकी के नाम से भी जाना जाता है। सिर्फ यही एक ओरिजिनल ट्रायो में एडमायरल बचा है, बाकी सब एडमायरल की तरह किजारू के पास भी डेविल फ्रूट पावर है, पिका पिका नोमी नाम का। पिका पिका नोमी उसे हल्का बनाने के साथ साथ उससे लाइट की स्पीड में भागने में भी मदद करता है। जब किजारू को पहली बार इंट्रोडक्शन कराया था तो उसका नाम ही काफी था पायरेट को भगाने के लिए। साबोडी आर्क में किजारू ने बेजिल हॉक, यूरो, एक्स ड्रेक और स्क्रैचमैन अप्पू को एक ही झटके में हरा दिया था। उस सब टाइम में बाकी सबका तो ठीक है, पर अपने मेन कैरेक्टर लूफी और उसके क्रू को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इवन वो बड़े आराम से पायरेट किंग के राइट हैंड मैन सिल्वर रेलिंग को टक्कर दे रहा था। और मरीनफोर्ट आर्क में वी नो कितना खतरनाक वाला दाव खेला था, मार्को और व्हाइट बियर्ड दोनों को जख्मी करके रखा हुआ था भाई। नाउ हमें वो अभी ऑनगोइंग आर्क एगहेड आइलैंड में देखने को मिलने वाला है, अब क्या होगा वो तो बाद में ही पता चलेगा। अब बात करते हैं टॉप 5 लिस्ट में आओकीजी के बारे में। आओकीजी का फर्स्ट अपीयरेंस एपिसोड नंबर 225 और मांगा चैप्टर 303 में देखा गया। आओकीजी का असली नाम खुजान है और उन्हें ब्लू फीजेंट के नाम से भी जाना जाता है। वो कभी एडमायरल के ओरिजिनल ट्रायो का हिस्सा हुआ करते थे, जो कि पंख हजार आर्क में बता दिया था कि आओकीजी ने रिजाइन कर दिया है।
और पहले ही बता दूं कि ये स्पॉइलर है, तो स्पॉइलर अलर्ट हो जाओ कि आओ केजी आप ब्लैक बियर्ड पायरेट क्रू का मेंबर है। मुझसे मत बोलना कि क्या कर दिया भाई, ये मैंने पहले ही बोल दिया था कि स्पॉइलर है। अब आई डोंट नो कि वो क्या सोच के गया है उसके पास, बट मांगा में रिवील कर दिया है कि आओ केजी ब्लैक बियर्ड क्रू का मेंबर है। क्या तुम जानते हो कि आओ केजी इज द फर्स्ट एडमायरर जो हमें इंट्रोड्यूस कराया था लॉन्ग रिंग लॉन्ग आइलैंड आर्क में? उसी में स्ट्रॉ हैट का सामना आओ केजी से हुआ था। आओ केजी फुजितोरा के बाद दूसरा फेवरेट मरीन कैरेक्टर है वन पीस फैन के लिए। आओकीजी के डेवल फ्रूट का नाम ये नोमी है, जो उसे उसकी मर्जी से बर्फ को काबू कर सकता है। ओडा ने सारे मरीन एडमायर को ऐसा डेवल फ्रूट दे रखा है कि साला कोई लो क्लास पायरेट उन्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। सेंगोकू के फ्लीट एडमायरल हटने से पहले वो चाहता था कि आओकीजी अगला फ्लीट एडमायरल बने, बट अकानो से हारने के बाद आओकीजी मरीन को भी छोड़ के चला गया। वैसे मुझे नहीं लगता कि सिर्फ यही एक रीजन होगा जिसके वजह से वो छोड़कर गया, बट देखते हैं आगे आओकीजी के बारे में और कितना डिटेल ओडा बताता है। मुझे आओकीजी की सबसे खतरनाक बात ये लगती है कि बाकी सारे डेल फ्रूट यूजर जब वो पानी या समुद्र में जाते हैं तो वो वैसे भी वीक हो जाते हैं, या फिर उनकी वीकनेस वैसे ही समुद्र से रिलेटेड ही है। बट आओकीजी के एक सीन में जिसने उसने पूरे समुद्र को बर्फ में बदल दिया था, सो इट्स काइंड ऑफ वेरी पावरफुल डेल फ्रूट मैन। बाकी सब की तरह आओकीजी ने भी आर्मनेंट और ऑब्जर्वेशन जैसी हकी को मास्टर कर रखा है। तो हमारे टॉप फोर की लिस्ट में आते हैं अकाइनू। ऐसा कोई फैन बेस नहीं होगा जिसमें अकाइनू से कोई हेट ना करता हो। सकाजुकी अकाइनू, जिसे रेड डॉग के नाम से भी जाना जाता है, बहुत बड़ा कुत्ता है कसम से। अकाइनो इस पूरे वन पीस में अलग ही एंटागोनिस है जिसका सेंस ऑफ जस्टिस ही काफी डिफरेंट लेवल का है। अकाइनो उसके डेव फ्रूट की तरह काफी रूथलेस है, पायरेट तो पायरेट, मरीन भी उससे डरती है। आओकीजी से लड़ने के बाद अब वो मरीन का सबसे पावरफुल कैरेक्टर और फ्लीट एडमायरल बन चुका है। अकाइनो के डेव फ्रूट का नाम मागू मागू नोमी है, जिससे वो मैग्मा को कंट्रोल कर सकता है और अपनी मर्जी से खुद को मैग्मा में भी बदल सकता है। उसके पास अगेन दो तरीके की हाकी है, ऑब्जर्वेशन और आर्मामेंट। हालांकि सारे मरीन एडमायरल के पास मुझे लगता है कि ये हकी होती है। मेरे हिसाब से मुझे तो लगता है कि लूफी का फाइनल अपोनेंट ब्लैकबियर्ड नहीं अकाइनू है। कमेंट में बताओ कि हु इज द लूफी फाइनल अपोनेंट। तुम्हारे हिसाब से कौन लगता है कि कौन सा अपोनेंट होगा? अब अगले टॉप थ्री के लिस्ट में आते हैं कॉन्ग। कॉन्ग के बारे में अभी हमारी थोड़ी सी कम नॉलेज है और उसे अभी तक वन पीस फिल्म स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड और मांगा के कुछ चैप्टर में ही उन्हें दिखाया था। तो अब इन्हें मैंने टॉप थ्री पे इसलिए रखा है क्योंकि अकाइनो और सेंगोकू के फ्लीट एडमायरल बनने से पहले यही फ्लीट एडमायरल थे, यानी कि गोल्डी रोजर के एरा के टाइम पे। तो ऐसा तो होगा नहीं कि भाई ये कोई पावरफुल होंगे नहीं, मतलब इनके प्राइम में भी ये काफी खतरनाक रह चुके होंगे और अब वो कमांडर इन चीफ के पोजीशन तक पहुंच चुके हैं, जो मरीन में हाईएस्ट पोजीशन मानी जाती है। उसके मस्कुलर बॉडी और उसकी पोजीशन जो फाइव एल्डर्स के बाद आती है, तो सोचो कि वो कितना पावरफुल हो सकता है, क्योंकि इसका ना तो पावर रिवील करा और ना ही हमें इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो इसके अननोन एबिलिटी के चक्कर में मैंने इसे टॉप थ्री के लिस्ट पे रखा है। और किसी भी एनिमे सीरीज के रूल में हमेशा अनमास्क कैरेक्टर हैंडसम और अननोन पावर वाला बंदा ही पावरफुल निकलता है। तो अब टॉप टू के लिस्ट में आते हैं सेंगोकू। सेंगोकू को पहली बार एपिसोड नंबर 151 और मांगा चैप्टर 234 में दिखाया। सेंगोकू AKA सेंगोकू द बुद्धा अपने टाइम में एडमायरल का पावर हाउस हुआ करता था। वो रोजर एरा के वक्त में गार्प और सुरु के साथ सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर में से एक था। मरीन में उनका काफ़ी अच्छा करियर था अपनी रिटायरमेंट के बाद। अब वो सिर्फ इंस्पेक्टर जनरल के तौर पर ही काम करता है। गार्प के बाद सेंगोकू इज द नेक्स्ट बेस्ट पावरफुल कैरेक्टर इन मरीन। सेंगोकू की पावर और उसकी फाइटिंग स्किल इतनी अच्छी थी कि पायरेट किंग गोल्डी रॉजर ने भी कह दिया था कि गार्प और सेंगोकू ही हैं जो उसे टक्कर दे सकते हैं। इसके अलावा सेंगोकू ने हितो नोमी मॉडल डाइबुत्सुआ कोलोसियस जोन टाइप डेवल फ्रूट खाया है, जो उन्हें बड़े से गोल्डन बुद्धा में बदल देता है। वो जाइंट पंच, ट्रेमेंडियस शॉक वेव्स और ऐसे अनलिमिटेड अटैक कर सकते हैं। उसके बाद यही एक ऐसा एडमायरल है जो तीनों टाइप का हकी यूज कर सकते हैं। यही कुछ रीजंस की वजह से सेंगोकू टॉप टू के लिस्ट में डिजर्व करता है। और इसके बाद हमारे नंबर वन के लिस्ट में आते हैं वो शख्स जो 90% वन पीस फैन ने तो गेस कर ही लिया होगा, वो कैरेक्टर जिनके फिस्ट ऑफ लव से एस साबो लुफी तीनों ही डरते हैं, मंकी डी गार। बिना डेव फ्रूट के होने के बावजूद ये बंदा एडमायरल लेवल की पावर रखता है। मंकी दी गार्प को हीरो ऑफ मरीन और अपनी अमेजिंग हॉकी पावर गार्प द फिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। गार्प अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हॉकी यूजर में से एक है,
चाहे तुम गॉड वैली इंसिडेंट की बात कर लो या फिर डॉन चिनजाओ के सर की। उसने हाल ही में आई मांगा चैप्टर 1080 में अपने गैलेक्सी इंपैक्ट से साबित कर दिया कि वो अपने टाइम में पायरेट को कितना गंदा मारता था। ऑफ कोर्स वो गोल्डी रॉजर का राइवल जो था। अगर गोल्डी रॉजर पायरेट में से नहीं होता और वो मरीन में होता तो शायद मैं उसको पहले नंबर पे ही रखता। तुम्हें क्या लगता है कि अगर रॉजर पायरेट किंग नहीं बनता तो और कौन ऐसा बंदा है जो कि पायरेट किंग बनने की क्षमता रखता है? कमेंट में जाकर जरूर बताना कि तुम्हारा फेवरेट मरीन या फिर फेवरेट पायरेट कौन है। आज के लिए हमारी टॉप 8 लिस्ट खत्म होती है। मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।